बराबर। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पॉपुलर फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन से होते हैं, लिक्विडिटी के रेशियो कौन से हैं, यानी लिक्विडिटी ये हमें बताती है कि भाई आपके पास एसेट्स, करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी हैं, लेवरेज में आपके पास डेट कितना है और आपके पास एसेट्स कितने हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्टिविटी रेशियो, जिसके अंदर सेल्स और इन्वेंट्री कितनी है, सेल्स और टोटल एसेट्स के ऊपर ये बात करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है सेल आपकी कितनी हो रही है, इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है। द हायर द रेशियो द मोर एफिशिएंट इन्वेंट्री एसेट्स आर बीइंग यूज्ड, यानी जितना ज़्यादा सेल्स हो रही होगी उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा जो है एफिशिएंटली इन्वेंट्री को इस्तेमाल किया जा रहा होगा। टोटल सेल्स, टोटल एसेट्स टर्नओवर, यानी सेल कितनी है और आपके एसेट्स कितने हैं, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपके एसेट्स एफिशिएंटली यूज़ हो रहे होंगे। फिर प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो हैं, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल है, जिसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टोटल सेल्स कितनी है, रिटर्न ऑन अरे ये इन्वेस्टमेंट सारे है, फॉर्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज हैं सारे बिल्कुल, जो कि आपको इस्तेमाल करने होते हैं जब ये आप रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो देता है, जिसमें मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, जो आपके पास एसेट्स हैं उससे कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं टैक्स डिडक्ट करने के बाद। तो ये आप जो है प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशियो है वो आप, तो प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये दो रेशियो ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं आप इनके थ्रू। कोई सवाल इन पर हो, ये जो रेशियो मैंने बताए हैं ये फाइनेंशियल कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर अगर कोई आपका सवाल है तो आप जो है वो मुझसे पूछ लें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे। सर इसके अंदर ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो पूरा जो कवर, मेन जो कवर एरिया कर रहा है वो ट्रेडिशनल कंट्रोल के अंदर सर सारे ये फैक्टर्स आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं जैसे देखो लिक्विडिटी, सारी चीजें लेवरेज। आ रही हैं, ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल होते हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप कैसे परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, अब वो इन चीजों को मैनेज करके अपनी प्रॉफिट को इम्प्रूव करते हैं, तो और अपनी कंपनी को देखते रहते हैं उसकी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी डूब जाएगी हमारी, को हम बहुत ज्यादा उधार तो नहीं ले रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लाइबिलिटी तो नहीं चढ़ गई, कहीं हमने बहुत ज्यादा लोन तो नहीं ले लिया, कहीं हमने जो हमारे पास जितना हम एसेट इसमें पैसा लगा रहे हैं क्या उतना हमें प्रॉफिट आ भी रहा है, या हमें किसी और बिजनेस की तरफ स्विच करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये बैठे हुए सोच रहे होते हैं जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं। ठीक है सर, ये तो चीज़ रेडियो एनालिसिस वगैरह के अंदर भी हमने देखी है, लेकिन सर अगर बजट एनालिसिस की बात करें तो सर इसके बजट एनालिसिस के पार्ट के अंदर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स और डेविएशंस हैं, तो सर इसके कोई कैलकुलेशन या कोई किसको किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे कि इतने हम लोग सर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स ये बरकरार रखें आमतौर या पर डेविएशन। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है जो नंबर्स होते हैं वो जी स्टैंडर्ड सर, डिविएशन के थ्रू जो है वो आप देख सकते हैं, जो वेरिएंस होता है ना, आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस पढ़ा होगा। तो जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड आप जो है वो बनाते हैं ना, उन स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर जो वेरिएशन आती है आपके बजट के अंदर वो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के थ्रू आप उन्हें कैलकुलेट करते हैं, और अगर वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बजट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसे आपको कंट्रोल करना है और उसे बेहतर और इम्प्रूव करना है ताकि आप उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, हमारे पास अब आया हमारे पास और अच्छा इसका सर, जी ये जी रूल जो है ये शॉर्ट उसके लिए भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए भी यही होते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल, बोर्ड को डेफिनेट अमूमन ऐसा होता है ना कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आपने कहा था कि लोन जो है वो मिल जाता है, और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके एसेट्स वगैरह ज्यादा होते हैं हाँ अपने बिल्कुल खुद के, ऐसा है, ताकि जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सवाल ये होता है कि अब जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है, फिर उसी लिहाज से इन चीजों को मैनेज करते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
इनका जो रेशो होगा कैलकुलेशन के बाद वो अलग होगा, और इसकी बेंचमार्किंग होती है। स्मॉल फर्म जो होते हैं उसकी बेंचमार्किंग अलग होती है, जो मीडियम फर्म होती है उसकी बेंचमार्किंग अलग होती है, और जो लार्ज फर्म होती है उसकी बेंचमार्किंग अलग होती है। तो इन हर इंडस्ट्री के जो स्मॉल मीडियम और लार्ज फर्म होती है उसकी बेंचमार्किंग होती है कि किसका कितना रेशियो जो है वो होना चाहिए, फिर उसी लिहाज से वो कंपेयर करते हैं। ओके सर। ओके जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। अब है हमारे पास नेक्स्ट तरीका का है, दैट कॉल्ड द बैलेंस स्कोर कार्ड, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो और तरीका इख्तियार करते हैं वो क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड। अभी तक हमने कितने तरीके पढ़ लिए हैं, लेकिन ये सबसे पहला तरीका हमने परफॉर्मेंस को मेजर करने का जो है वो कौन सा पढ़ा है, ये दो तरीके पढ़े हैं, प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिहाज से। फिर हमने इसको कंट्रोल करने का ये तरीके कार पढ़े हमने। फिर हमने कहा कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे होते हैं, तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल चल रहे हैं हमारे सारे, ठीक है, ये फाइनेंशियल कंट्रोल चल रहे हैं हमारे। उसके बाद ये और एक तरीका है जिसका नाम है बैलेंस स्कोर कार्ड, यानी आप बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। इसमें ये बैलेंस स्कोर कार्ड जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल दैट एग्जामिन्स मोर देन जस्ट द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अब ये कहता है सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव मेजरमेंट करना नहीं होता, जब आप परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो बाकी चीजें भी देखनी होती है भाई, आप लगे हुए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने में, बाकी एरियाज को भी देखें, वो एरियाज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कंपनी को परफॉर्मेंस को चेक करने के फोर एरियाज स्कोर कार्ड ने आइडेंटिफाई किए। पहला फाइनेंशियल जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दूसरा कस्टमर्स, क्या आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, उनके रिटेंशन का रेशो क्या है, नए कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि कस्टमर्स फीडबैक में आपको देखने होते हैं। कस्टमर में दोबारा में नए कस्टमर अट्रैक्ट कर रहे हैं, कस्टमर रिटेन हो रहे हैं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, तो ये सारी चीजें कस्टमर में आपको देखने चाहिए। फिर इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो आपके प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रोसेसेस कैसे हैं, इनएफिशिएंट प्रोसेस है, एफिशिएंट प्रोसेस है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, क्वांटिटी जो है बहुत जल्दी जो है खाम खा के एक्स्ट्रा प्रोसेसेस उसमें डाले हुए हैं जो कि आपकी एफिशिएंसी को खराब करते हैं या मिनिमाइज करते हैं या आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते, तो इस चीज को भी देखना होता है। और फोर्थ जो है वो है पीपल इनोवेशन ग्रोथ एसेट्स, यानी आप लोगों की डेवलपमेंट क्रिएटिविटी के ऊपर उनके ऊपर काम करें, उनके जो आपके एसेट्स होते हैं जो ह्यूमन एसेट्स है उसकी डेवलपमेंट पर काम करें, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना काम कर रही है। तो ये चार एरियाज हैं, ये बैलेंस स्कोर कार्ड के जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास ये चार एरियाज हैं जिसको अगर आप देख लेंगे तो आप ये बता सकेंगे या ये आप कह सकेंगे कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी है। तो ये चारों एरियाज को सामने रखकर आप कर सकते हैं। कोई सवाल आपका? सर ग्राफ, ग्राफ इस तरह बनता है इसका? ग्राफ तो जो है फोर जो है क्वाड्रेंट बनते हैं इसके, और हर क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो एक फाइनेंशियल, एक साइड पे कस्टमर, एक साइड पे इंटरनल, और एक साइड पे जो है वो क्रिएटिविटी को सामने रखकर फिर आप देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली। अब ये सारे रेशियोज जो आपने देखे हैं सारे वन बाय वन करके आप चेक करेंगे, कस्टमर ये सेटिस्फैक्शन का लेवल देखेंगे, न्यू एंट्री हो रही है नहीं हो रही, जो आए थे वो रिटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मोटिवेटेड है नहीं है, ये चीज़ें फिर दूसरा एरिया में देखेंगे वन बाय वन करके चेक करेंगे। फिर इंटरनल प्रोसेस को आप चेक करेंगे, हाँ जी इंटरनल प्रोसेस पे आ जाए, जो इंटरनल प्रोसेस में कंट्रोल प्रोसेस हैं जी, इंटरनल प्रोसेस में कम्युनिकेशन के प्रोसेस हैं जी, इंटरनल प्रोसेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं जी, इंटरनल प्रोसेस में अप्रूवल के प्रोसेस हैं जी, ये सारी चीज़ें फिर वन बाय वन करके आप देखेंगे। फिर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, पीपल, इसके ऊपर आप काम करेंगे। तो ये इस तरह जो है वन बाय वन करके एक एक को चेक करना पड़ेगा आपको।
ठीक है भाई, ओके सर, कोई और सवाल अगर हो तो आप पूछें, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला गया हूं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है जी, तो हमारे पास नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आप लोग MIS कहते हैं। MIS के थ्रू भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, जैसा कि अ सिस्टम यूज्ड टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद नीड इंफॉर्मेशन आर ऑन अ रेगुलर बेसिस। MIS सिस्टम के थ्रू आप क्या करते हैं जी, मैनेजमेंट को वो डेटा प्रोवाइड करते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर उन्हें चाहिए होता है, या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो रेगुलर बेसिस पर मैनेजमेंट को आमतौर पर चाहिए होता है। आप इसमें डेटा को मैनेज करते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, और जब मैनेजमेंट चाहती है तो आप उसे वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा डेटा है, दूसरा हिस्सा इंफॉर्मेशन है। डेटा जो होता है एन अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रॉ अनएनालाइज्ड फैक्ट्स आर अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ने, यानी एग्जांपल उन्होंने बताई है कि कस्टमर की सॉर्टेड लिस्ट नहीं, अनसॉर्टेड लिस्ट जैसे है, तो ये रॉ डेटा होता है आमतौर पर। इंफॉर्मेशन जो होती है आमतौर पर उस डेटा को एनालाइज करने के बाद जो चीज़ आपके पास आती है वो इंफॉर्मेशन होती है, यानी डेटा हैज बीन एनालाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सच दैट इट हैज अ वैल्यू एंड रिलेवेंट टू द मैनेजर्स, यानी उस डेटा को आप एनालाइज करें और अपने मैनेजर्स के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो ढूंढ कर लाएं, वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करें, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स। ये MIS में ये आपका एरिया है, कंप्यूटर साइंस वालों का, तो आप इसको ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सर ये जो आपने अभी जो खोला हुआ था पिछली स्लाइड में डेटा कलेक्शन और MIS का, तो ये भी सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में आता है, ये कंट्रोल सिस्टम में आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये जब आप मैनेजमेंट कंट्रोल करती है परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें ये सारी चीजें आती है, क्योंकि डेटा आपके पास होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तो फिर वो एक्शन लेते हैं ताकि उस एक्शन के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सके ना, तो उसके लिए ये चीजें सारी चाहिए होती है। इसमें आप प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आप इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट में, किसी टीम के अंदर, तो ये डेफिनेटली होता है। ठीक है भाई, ठीक है सर। सर वैसे एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट्स होते हैं ना इसके, तो के वो जाकर चेक कर सके, और एक अगर आप इसको, अगर आप इसको एज अ कंप्यूटर या IT के हवाले से देख रहे हैं, तो जो IT मैनेजर होता है या जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आम तौर पर इस डेटा की सिक्योरिटी, डेटा का इनपुट, डेटा को एनालाइज करना, लेकिन जो हमारे यहाँ आजकल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो IT को कंट्रोल करते हैं। तो इसके अंदर अगर वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो डेफिनेटली फिर वो डेटा को कंट्रोल करेगा, और अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी अलग अलग डिजिग्नेशन होती हैं, जो कि छोटे छोटे काम के लिए भी एक एक बंदा, दो दो, एक एक डिपार्टमेंट बाकायदा बनाया हुआ होता है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। बट छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहरहाल इतना काम नहीं होता, एक ही काम बहुत सारे लोगों को भी दिया हुआ होता है। बेंचमार्किंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसको आप कहते हैं यार ये जबरदस्त, ये कंपनियां जो है वो बहुत ही टॉप पे चल रही हैं, तो हम इस प्रैक्टिसेस को बेंचमार्क के तौर पर हम अपनी कंपनी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज है बेंचमार्किंग क्या होती है, द सर्च ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग द कंपेटिटर्स एंड नॉन कंपेटिटर्स दैट लीड्स टू देयर सुपीरियर परफॉर्मेंस, यानी आप वो प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं या इवन नॉन कंपेटिटर कंपनीज होती हैं वो इस्तेमाल कर रही होती हैं, जो कि उनमें सुपीरियर परफॉर्मेंस की तरफ लीड करते हैं, तो वो प्रैक्टिसेस आप वहां से आइडेंटिफाई करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड द बेंचमार्क।
देन व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क क्या होता है जी? द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस टू मेजर एंड कंपेयर अगेंस्ट। यानी आप क्या करते हैं, जो बेंचमार्क होते हैं उसको के साथ आप अपने जो इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको आप उनके साथ बेंचमार्किंग के साथ जो है कंपेयर करते हैं, और फिर देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिसेस जो आपने इम्प्लीमेंट की हैं वो अकॉर्डिंग टू दी बेंचमार्किंग है या कि नहीं है। दैट्स कॉल्ड द बेंचमार्किंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कुछ सजेशन है फॉर द इंटरनल बेंचमार्किंग के हवाले से, कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जिसमें सबसे पहले है जी कनेक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू द स्ट्रेटजीज एंड गोल। यानी अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। दो किस्म की देखो प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट होती है, एक तो होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक होती है बेस्ट अलाइनमेंट। जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उन्हें ज्यादातर बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है ट्रेन किया जाता है। यानी जैसे SAP है या Oracle है, इसके अंदर HR के ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं, फाइनेंस के ऑलरेडी डिजाइन किए गए हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उन्हें हल्का फुल्का कस्टमाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि भाई आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं वो चेंज करें अकॉर्डिंग टू आवर सॉफ्टवेयर। तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, इसको बेंचमार्किंग कहते हैं, और इसको इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे अपनी चीज़ों को अपने प्रोसेसेस को अपने प्रोसीजर्स को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर। जबकि बेस्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप बिल्कुल ही नीड एनालिसिस करें ऑर्गेनाइजेशन का और उनको बिल्कुल उनके लिहाज से जो उनके यहाँ कल्चर है उसके लिहाज से एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करें जो कि उनके तमाम नीड को फुलफिल करता हो। दैट्स कॉल्ड द बेस्ट अलाइनमेंट। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो इसे रिजिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें काम बहुत करना पड़ता है, जो करंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, नए प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं, तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होती है। बहरहाल तो इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पहले उन्हें स्ट्रेटजीज और गोल के साथ अलाइन करना चाहिए। आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है उसके सामने रखते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस रिवार्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम। यानी जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें तो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए रिवार्ड और रिकग्निशन का सिस्टम भी साथ साथ करें ताकि आपके लोग उसे एक्सेप्ट करें। कम्युनिकेट बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको पहले कम्युनिकेट करें, भाई हम ये अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, ये बेहतरीन एक प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को कंपनी को सबको बहुत फ़ायदा होगा। क्रिएट अ बेस्ट प्रैक्टिस नॉलेज शेयरिंग सिस्टम। और नॉलेज शेयरिंग का सिस्टम जो है वो तमाम लोगों के साथ करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा सारा आप उनके साथ शेयर करें ताकि आपके जो लोग हैं वो परेशान ना हो। नेचर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन ऑन गोइंग बेसिस। इसके जो नेचर है नर्चरिंग बेस्ट प्रैक्टिस, यानी इसे इम्प्रूव करते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों को जो है ऑन गोइंग जो है बेसिस के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन आप पहुँचाते रहें। तो ये कुछ सजेशंस हैं कि अगर आप अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि जिनको आपको फॉलो करना होगा, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल आपका? नो सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, और इवन जो हमारे कोर्स आउटलाइन है उस कोर्स आउटलाइन के कंप्लीशन की ये आखिरी स्लाइड है, जिस जो है वर्क प्लेस कंसर्न्स, जिसमें इम्प्लाई लास्ट क्लास है। नहीं, क्लास तो लास्ट नहीं है, अभी और भी बहुत सारे काम है।
लेकिन वो काम हम पहले करने थे, अभी बाद में हम करेंगे, जिसमें आपकी अभी प्रेजेंटेशंस बाकी हैं, कोई फाइनल का डिस्कशन बाकी है, कोर्स का रिवीजन बाकी है, काम काफ़ी है, दो क्लासेस अभी बाकी हैं हमारी जो कि हमने लेनी है। ठीक है सर। तो वर्क प्लेस कंसर्न में सबसे पहले जो है इम्प्लाई थेफ्ट है, यानी एनी अनऑथोराइज टेकिंग ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी बाय एम्प्लॉइज फॉर देयर पर्सनल यूज। यानी इम्प्लाई थेफ्ट में क्या चीज़ें आती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी की है, अगर एम्प्लाई बगैर इजाज़त के, बगैर किसी अथोराइजेशन के उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये एम्प्लाई थेफ्ट का पार्ट होता है, जो कि एम्प्लाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर है कस्टमर इंटरेक्शन एंड सर्विस प्रॉफिट चेन, यानी द सर्विसेज सीक्वेंस फ्रॉम एम्प्लाईज टू कस्टमर टू द प्रॉफिट। दूसरा हिस्सा क्या है जी, जो एम्प्लाई जो सर्विस का सीक्वेंस है, कैसे एम्प्लाईज से कस्टमर्स की तरफ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर उसमें कोई फ्लॉ आ गया तो वो प्रॉपरली जो है कस्टमर तक नहीं पहुंच सकेगा और उससे आप प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। यानी ये सीक्वेंस है कि सर्विस आप एम्प्लाईज के थ्रू जो है कस्टमर्स को देंगे और कस्टमर्स जो है उसके थ्रू आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर इसका सीक्वेंस प्रॉपर ना हुआ तो इसका मतलब है प्रॉफिट जनरेशन की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। देन वी हैव द कॉरपोरेट गवर्नेंस, द सिस्टम यूज टू गवर्न अ कॉरपोरेशन सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ कॉरपोरेट ओनर्स आर प्रोटेक्टेड। यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है, उनकी उसके अंदर जो एसेट्स की इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आमतौर पर ये सिस्टम बनाया जाता है, जिसके अंदर कॉरपोरेट, जिसको हम कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं, जिसके अंदर करप्शन ना हो, लोग जो है फेवरेटिज्म ना करें, पैसे का सही इस्तेमाल हो, हर बंदा अपना मैक्सिमम और सही इनपुट दे, तो इससे अल्टीमेट जो बेनिफिट होगा वो ओनर्स को होगा और ये उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका कार है। इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो है, वैसे पाकिस्तान में ये एक कॉरपोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे लोग करप्ट हैं, यहाँ पे लोग मेरिट पर काम नहीं करते, यहाँ पे लोग करप्शन करते हैं और यहाँ पे लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और मेरिट के ऊपर आमतौर पर काम नहीं करते। इसलिए पाकिस्तान में कॉरपोरेट गवर्नेंस का बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि अभी तक लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है, दैट इज़ एन इश्यू। तो ये गणेश कौन है भाई? बिल्कुल सर, या बिक गई है गवाह। अच्छा, सर कोई भी नहीं है सर, इनको किक कर दें। इनको निकाल देंगे, कोई नया बंदा आया है, पहले भी एक दफा आया था, अब ये कोई दूसरा आया है यहाँ पर। चले जी, तो हम जो है वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसके अंदर जो लोग होते हैं वो करप्ट होते हैं, मेरिट पर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने जो ओनर्स होते हैं उनको प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंट चीज़ें नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए। सर गवर्नमेंट साइड पे, गवर्नमेंट सेक्टर में इस चीजें ज्यादा होती हैं। प्राइवेट में भी होती है वैसे तो, गवर्नमेंट में ज़्यादा होती हैं, आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तभी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो प्राइवेट सेक्टर भी इससे बचा हुआ नहीं है, उसमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें भी बहुत फेवरेटिज्म है, उसमें भी पॉलिटिक्स है, उसमें भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका जो लेवल है वो बहुत कम है, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ ज़्यादा मसाइल हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लेकिन आ, आ, उसका जो लेवल है वो गवर्नमेंट के बनिस्बत बहुत कम है।
जी सर, सर वो फेवरेटिज्म भी बहुत ज्यादा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, कोई अगर आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आप हम जो है आगे नेक्स्ट उसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। भाई ये तो आज काफी सारे लोग आए हुए हैं इसमें, जो कि नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं। कोई इसरार इसरा खान के नाम से कोई आया हुआ है, कोई गणेश के नाम से आया हुआ है। तो बहरहाल ये भी अच्छी बात है, ये सुनते रहे, कोई मसला नहीं है। अच्छा है, ठीक है जी। तो हम सर इनको आज रिमूव कर दें। रिमूव कर दें। क्यों इनको रूप रिमूव करवा रहे हो यार तुम? अच्छे लोग हैं, ठीक है सर, आ गए हो तो आने दो। वैसे आप जैसे रिमूव करने का नाम लेते हैं वो चले जाते हैं। चलें, जब आपका कोई अगर सवाल है तो आप वो सवाल पूछ लो, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर हम जो है वो, हाँ जी, प्रेजेंटेशन किसने देनी थी? मुझे देनी थी सर, आप कौन, जुहेब है? ठीक सर जुहेब और उजैब। है, तो आपको कौन सी प्रेजेंटेशन देनी है? सर पार्क व्हील्स वाली, अच्छा, और उससे पहले वाली? ठीक उससे पहले वाली तो दे दी थी शायद। आप चेक करें सर, आपने अपलोड किया अपनी चीजें उसमें जाकर, दोनों चीजें आप चेक सर कर लें। मुझे इससे पहले एक आपने रिपोर्ट दी थी मेरे ख्याल से स्वॉट एनालिसिस नहीं, मैंने पहले जो दी थी वो लड़के, वो एक वीडियो स्वॉट एनालिसिस पे, एक पे भी दी वीडियो थी, भी अपलोड कर उससे पहले दिया। वीडियो भी दी थी। अच्छा सर, नहीं वीडियो नहीं दी। हाँ, जो जो कि आपने जो है अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कराना था, जिस वीडियो के अंदर वो वाली वीडियो बनानी थी, और फिर उसको प्रेजेंट भी करना था, वो भी आप लोगों ने नहीं किया अभी तक शायद। सर यस सर वो सर, भी नहीं थी जी सर, वो आपने जो सबसे पहले ये वीडियोस दी थी इनको कहीं पे सबमिट भी करना था क्या? वो ऑनलाइन उसमें करना था ना। सर सबमिशन तो नहीं करिए, लेकिन यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट किया है और वीडियो किया ना, किए प्ले, काफी टाइम पहले की बात है ये। ये सबसे पहला असाइनमेंट था ना ये वाला। लेकिन सर आपने अपलोड करने का इसमें बताया नहीं था शायद। अच्छा तो मैं चेक कर लेता हूँ इनको। यस सर, आप देख लें। चले तो और कोई सवाल आप लोगों के है तो आप पूछ लीजिए। नहीं तो आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन जो है ऑनलाइन आप होंगे या शुरू ऑन कर, साइट होंगे? प्रेजेंटेशन आप शुरू कर जी सकते हैं सर, वैसे। जी सर कर सकते हैं, शुरू कर तो दें करें फिर। स्टार्ट। जी बिल्कुल करें। सर स्क्रीन शेयरिंग ओपन कर दीजिएगा। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ। हो गई भाई, आप शेयर करो। सर वो आवाज नहीं आ रही इनकी। हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की यार। सर ये मेरे नाम से कोई और भी आया भाई क्लास के अंदर, आप कौन है, जुहेब अहमद। कौन है, किसको आप लोगों ने जो है ना ये दिया हुआ है, कौन, किसने शरारत की है कि ये लोग कैसे आ जाते हैं? सर ये पता नहीं लास्ट में कैसे, सर दो आ रहे हैं मेरे पास, दो शो हो रहे हैं जुहेब। एक तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी रियल वाली है, और वो पता नहीं कौन है सर। ये जो बोल रहे हैं आप है, आप बोलते रहे, दूसरे को मैं हटा देता हूँ। जी सर उनको हटा दें। ये आखिर में अब आप बोले तो मैं इसको हटाऊं, बोले जरा। जी सर
सर माइक अनम्यूट हुआ है ना, मैं ये मैंने इनको रिमूव कर दिया, ठीक है सर। मीटिंग लॉक कर दें, कोई आएगा ही नहीं। अब मीटिंग लॉक का एक ऑप्शन आता है, उससे होगा ये कि आप कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा अच्छा लेकिन ये फिर अगर कोई हमारे लोग आएंगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं सर वो रिकंटिन्यू हो जाते हैं, जो अगर सेशन में अगर वो दोबारा आना चाह रहे हैं तो उनका कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ गया तो वो आ सकते हैं, लेकिन जो न्यू यूजर होगा ना वो नहीं आएगा। अच्छा लेकिन इसमें एक बंदा कम है हमारा, तो सर देख लें जैसे आपको सही लगे। सर मीटिंग का एक दफा रिस्टार्ट कर दें ताकि 4 मिनट। मैं जो है असल में इनेबल वेटिंग रूम कर देता हूँ ना, वेटिंग रूम मैंने कर दिया, जो भी आएगा पहले मुझसे पूछेगा। जी सर हाँ सर ये ठीक है। चलें जी अब आप स्टार्ट करें। अच्छा सर एज एवरीवन नो माय नेम इज सुहेब एंड सुहेब इज माय पार्टनर। टुडे वी आर doing case study on pathway. So the first question was in two-sided markets platform need to overcome the chicken and egg problem followed by the penguin problem in order to grow. How did pathways.com resolve these issues and create value for its user while scaling up? So pathway business model created value by facilitating interactions between vehicle buyers and seller primarily by reducing search and transaction costs by virtue of being a portal. Both sellers and buyers were customers of Parkwheel in a meaningful way. Parkwheel facilitated a direct interaction between both sides as a byproduct of being a portal. Parkwheels created an ecosystem with strong network effects with the advent of connected technology, example smartphone, 3G services, etc. These network ecosystem enable pathways to scale in ways that a traditional used car ecosystem enable a dealer model could not even dream of. The company's ultimate goal was to build an ecosystem for auto services. The aim was that whether it was buying, selling, researching cars and auxiliary services such as maintenance, insurance or financing, customers should be able to find it at parkwheel.com. So the second question was how did parkwheel.com formalize their monetization strategy as part of their platform business model? During the monsoon season of mid-July 2015, Raza Saeed and Munil Munj, the two co-founders and managing partners of Parkwheels.com, grabbed a coffee en route to their office in Lahore, Pakistan. Their thoughts were completely focused on the crucial upcoming investor presentation about the company's growth strategy for 2016. Just when they thought that they were ready to develop an aggressive growth strategy, they received an unsettling news. There was speculation that one of the largest online classified website, OLX, would be launching a huge and expensive 3-week long media campaign at a cost of about 0.5 million to launch its used car section in the local market. In Parkwheel market, a winner takes all market in Pakistan, why or why not? Studying the market share of Parkwheel, yes, its market is a winner takes all. Also, competition like OLX, Draz and Pro Pakistani are apparently existent. Getting an 80% market share only says that the market definitely favors this one brand. The other brand mentioned above would have a best modest share. The other question was, if Parkwheel decides to the winner takes all market, what kind of involvement threats would they be exposed to, and how can they respond to these threats and define their position successfully? First one is launch mobile application for all major platforms including iPhone, Android and Windows. Enable the website for smartphones browser to cater to the growing number of users accessing Parkwheels from their smartphones.
सिंप्लीफाइड द एडवर्टाइजमेंट पोस्टिंग प्रोसेस टू इंक्रीज यूजर कन्वर्शन, इम्प्रूव द एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस थ्रू ऑटोमेटेड टूल्स टू इंश्योर द हाईएस्ट क्वालिटी लिसनिंग ओनली.